हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक राज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब पर काफ़ी यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि जब वो शुरुआती में अपनी वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, तो उनके मन में एक सवाल रहता है कि वो ऐसे किस टॉपिक पर वीडियो डालें जिनसे उनकी वीडियो पर अच्छी व्यूज आ सकें और उनकी वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो सके। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा है शायद जिन पर वीडियो ना बनी हो। आप कोई भी टॉपिक सर्च करके देख लो, हर टॉपिक पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और हर वीडियो में आपको लाखों की संख्या में व्यूज मिल जाएंगे। तो ऐसे में न्यू यूट्यूबर के मन में एक सवाल रहता है कि वो अपनी वीडियो स्टार्टिंग में किस टॉपिक पर डालें जिनसे उनकी वीडियो वायरल हो सके। तो ऐसे ही कुछ सवालों का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिनसे आप न्यू टॉपिक सर्च कर आसानी से सर्च कर सकोगे और उन पर अच्छी अच्छी वीडियो बना सकोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिस पर हम कोई वीडियो डालें तो उस टॉपिक पर वीडियो पहले से ना बनी हो। क्योंकि इंसान हर टॉपिक पर वीडियो बना चुका है और शायद ही कोई ऐसा टॉपिक बचा है जिस पर वीडियो ना बन पाई हो। तो मैं आज आपको ऐसे तरीका बताऊंगा जिनसे जो भी न्यू यूट्यूबर हैं वो आसानी से अपनी वीडियो अपलोड कर सकेंगे और उन्हें कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो उस टॉपिक पर पहले से वीडियो बनी होती हैं, तो हमेशा न्यू यूट्यूबर के मन में एक ही सवाल रहता है कि इस टॉपिक पर वीडियो पहले से बनी हुई है तो मेरी वीडियो कोई क्यों देखेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको आपके मन में जितने भी टॉपिक हैं जो कि आप जब वीडियो बनाते हो उस टाइम पर तुम्हारे मन में आते हैं कि मुझे इस टॉपिक वीडियो बनानी चाहिए, उस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो सबसे पहले आपको उन हर टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए जो आपके मन में आते हैं। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो जब भी हमको टॉपिक सर्च करने की सोचते हैं ना, तो हमारे मन में जो टॉपिक चलते रहते हैं उनकी वजह से हमारा मन कन्फ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले अपने मन को हमें खाली करना है, और खाली कब होगा कि जो भी टॉपिक हमारे मन में बार बार आ रहे हैं उन टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है। जिनसे क्या होगा कि जब भी हम कोई इंजीनियर वीडियो बनाएंगे तो हमारे मन में उन टॉपिकों के बारे में कोई भी ख्याल नहीं आएगा और हम आसानी से न्यू टॉपिक सोच सकेंगे। क्योंकि जब तक हम उन टॉपिकों पर वीडियो नहीं बनाएंगे जो हमारे मन में पहले चल रहे हैं, चाहे उन पर पहले से वीडियो किसी और की बनी हो या ना बनी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने मन में जो टॉपिक चल रहे हैं उन पर वीडियो बनानी है। और ऐसा नहीं है कि उन वीडियो में आपको इंटरेस्ट नहीं है, उन टॉपिकों पर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐसी वीडियो बना दो उल्टी सीधी। उन टॉपिकों पर आपको अच्छी अच्छी तरह से वीडियो बनानी है। उससे क्या होगा कि आपके मन आप सबसे पहले तो आपको मन खाली हो जाएगा, जिससे न्यू टॉपिक को सोचने में आपको आसानी होगी। और दूसरा, आपको वीडियो बनाने में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो बना के डाल दो। उससे क्या होगा कि जे मत सोचोगे आपकी टॉपिक को पहले से वीडियो बनी हुई है। क्योंकि दोस्तों, जब आप वीडियो डालोगे तो ऐसा नहीं है, जब आप वीडियो बना के किसी को शेयर करोगे, अपने दोस्तों में स्टार्टिंग में शेयर करना पड़ता है तभी सब्सक्राइबर आते हैं, तो शेयर करोगे तो ज़रूरी नहीं है जिन लोगों को आप शेयर करोगे वो औरों की वीडियो देखे, वो आपकी वीडियो देखेगा। क्योंकि एक टॉपिक को 1000 तरह की वीडियो होती हैं, तो फिर भी तो सभी वीडियो पर अलग अलग व्यू आते हैं ना। तो आप भी वीडियो बनाओ और उसके बाद जब आपको मन एकदम क्लियर हो जाए तब आपको क्या करना है कि आपको आपका चैनल जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे आप टेक्निकल की वीडियो बनाते हो तो आप किसी और के अकाउंट से टेक्निकल की वीडियो यूट्यूब पर सर्च करो कि जो लेटेस्ट वीडियो चल रही हैं, जो तुरंत की वीडियो होती हैं एक दो दिन पहले की या तुरंत की, तो उन टॉपिक पर क्या क्या वीडियो बन रही हैं और किस किस बारे में बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं टॉपिकों में से अपना टॉपिक सर्च करना है, अपना टॉपिक एक टॉपिक बनाना है। अब आप वो टॉपिक कैसे बनाओगे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लेके चलो, आप टेक का वीडियो बनाते हो तो टेक्निकल गुरु जो हैं, जो कि काफ़ी पुराने यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस हैं, तो आप उनकी कोई वीडियो देख लो जो उनकी लेटेस्ट वीडियो हो, न्यू वीडियो हो। जब वो कोई न्यू वीडियो बनाते हैं तो उनकी वीडियो में लाखों की संख्या में कमेंट आते हैं उनके देखने वालों के, तो आपको उन कमेंट्स को पढ़ना है, देखना है, और उन कमेंट्स में से वो कमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो कि वो लोग गुरुजी से करते हैं वीडियो देखने के बाद कि हमें इसके बारे में बताओ ये क्या होता है, तो वो आपको सेलेक्ट करने हैं। अब आपको उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर अपनी वीडियो बना के डालनी है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं
उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने व्यूवर्स के कमेंट्स देख सकें और उनका उनका रिप्लाई कर सकें। तो आपको उनके जो सवाल होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनानी है, और अपने वीडियो में आपको इस तरह से लिखना है कि जैसा कि आपने टेक्निकल गुरुजी के चैनल पे आपने देखा और आपने वहाँ पे इस बारे में पूछा, तो मैंने आपको इस बारे में बताया है। तो आप उससे क्या होगा, जब भी वो लोग टेक्निकल गुरुजी की वीडियो सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो रैंक में आ जाएगी और वो लोग आपकी वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सवाल खुद किए हैं जिनका जवाब उन्हें मिल नहीं पाया है। तो आपकी वीडियो में उनका जवाब उन्हें मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी वीडियो भी वो देखेंगे, आगे भी शेयर करेंगे, तो आपकी वीडियो पर व्यू आने के चांस हैं और सब्सक्राइबर आने के भी चांस हो जाएंगे। तो दोस्तों यही एक तरीका है जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूं। और दोस्तों एक तरीका और है, मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास जैसे कि कोई भी कुछ नया हो रहा है आपके आसपास या कुछ भी आप नया देखते हो, तो उन टॉपिक को वीडियो बना दो स्टार्टिंग में। ये मैं सोचो कि आपका चैनल टेक का है तो आप किसी और के बारे में और चीज़ के बारे में वीडियो कैसे बनाओगे। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, एक दो वीडियो बनाने से आपको सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करनी है। जब आपकी वीडियो वायरल हो जाए और आपके व्यू अच्छे बन जाएँ, सब्सक्राइब बन जाएँ, तो उसके बाद आप टेक का चैनल और टेक की वीडियो बनाते रहना। पर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपका चैनल किस मतलब से है और आप वीडियो किस मतलब की बना रहे हो, बस उन्हें काम की वीडियो होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।